महानायक अमिताभ बच्चन को भी कभी जॉब के लिए काफी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। फिल्मों में आने से पहले अमिताभ ने बताया था कि कैसे कितने रिजेक्शंस उन्होंने झेले थे। हर जगह रिजेक्ट किए जाते थे वो, जहां भी वो जाते जॉब के लिए वो फेल हो जाते। या तो वो इतने क्वालिफाइड नहीं थे या फिर वो बहुत शर्मीले थे, जिसके कारण इंटरव्यू के दौरान उन्हें छाड़ दिया जाता था। लोगों को क्वालिफाइड ज़्यादा दिखते थे अमिताभ से ज़्यादा जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाते, जिसके कारण टेरिबली फ्रस्ट्रेट रहते थे अमिताभ बच्चन। और तभी उन्होंने बैग पैक कर कैलकटा जाने का फैसला लिया था। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो कैलकटा गए थे। कैलकटा में लाइफ काफ़ी अलग थी, कुछ उन्हें मिसिंग लगता था। सब कुछ होने के बावजूद इंटरेस्ट फिल्मों की तरफ बढ़ता चला गया था। हिंदी फिल्मों को लेकर जिस तरह की फैंसी थे उस तरफ उनका रुझान बढ़ता था, जिसके कारण फिल्मों की दुनिया की तरफ उनका इमेजिनेशन उनके सपनों की दुनिया बन चुका था। और तभी डिज़ायर उनका इंडस्ट्री से जुड़ने का बढ़ गया और आज भी वो काफ़ी शाई है, ये उनका कहना है। टैलेंट कंटेस्ट की बात करें तो रिजेक्शन वो आज भी झेलेंगे क्योंकि उन्हें हमेशा शाही रहना पड़ा। अगर जॉब की बात करें तो दिल्ली जाकर उन्होंने जिस तरह की ज़िंदगी जी थी, अगर उसके बारे में बात की जाए तो उनका कहना था वाकई में दिल्ली में भी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी रही थी। स्ट्रगलिंग का स्टार्ट और फिर एक्साइटमेंट, स्ट्रगलिंग से ज़्यादा कुछ अचीवमेंट के लिए, रिजेक्शन को लेकर आगे बढ़ने के लिए उनके अंदर बना हुआ था। नेशनल लाइफ स्टाइल रिपोर्ट।